बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक ही रखे, आमीन जी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है जी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो बना के दिखाना चाह रही हूँ वो है, मैं एक हेयर मास्क बनाने लगी हूँ। प्रोटीन मास्क, हेयर प्रोटीन मास्क हम बनाने लगे हैं। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं तो वो भी हम आपको बताते चलते हैं। तो ये अक्सर हमारे बाल हेयर डाई करने से, कर्ल करने से, बालों को हम स्ट्रेट करते हैं, रिबॉन्डिंग वगैरह करवाते हैं, मतलब कि इस तरह का कोई भी हम चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारे बाल काफ़ी रफ़ हो जाते हैं, वो ऐसे झाड़ू सा ही बन जाता है। तो उसको सही करने के लिए हमें घर पर ही हम यानी कि जी, तो एक मास्क बनाएंगे हम आज। तो वो किस तरह बनाएंगे वो भी हम आपको बताते चलते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त मास्क है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं वो आपको बताते हैं। उसके लिए चाहिए आपको कोई दही, चाहिए दही ले लें आप। और ये हम डालते हैं, आप साथ साथ बताते चलते हैं क्या क्या डालें जी। तो सबसे पहले हम दही डाल लेंगे, ये 4 से 5 चम्मच आप डाल लें। 1, 2 जी। तो ये मैंने 4 चम्मच दही ले लिया है, इसको आपने अच्छे से पहले मिक्स करना है जी। तो दही ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है जी। तो देख रहे हैं आप, ये दही मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कंडीशनर। तो ये भी 2 चम्मच हमें चाहिए दही, सॉरी कंडीशनर जी। तो ये भी डाल दिया और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स करना है जी। तो आपने ये इसको अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये ऐसे क्रीमी फॉर्म में आ जाए, कोई भी लम्स वगैरह ना रहे इसमें। तो ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे 1 लेमन ये 1/2 लेमन मैंने ले लिया है, ये भी हम सारा इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है मेरा कंडीशनर इसमें। तो ये मास्क हमारा बन चुका है और ये आपके बालों को इतना स्मूथ कर देगा, सिल्की कर देगा कि आप खुद भी देख के खुश होंगे कि हमारे बाल कितने से सिल्की हो चुके हैं। और आपकी सब में आजकल डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हुई होती है, उसको भी ख़त्म करेगा जी। तो आप इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हो, मक्खन ऐड कर सकते हो आप इसमें, वो मैंने नहीं किया, आप अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वो आपको और के बालों को और ज़्यादा स्मूथ करेगा, आपको और अच्छे रिज़ल्ट इसके मिलेंगे। रिज़ल्ट तो इसके भी बहुत अच्छे आएंगे लेकिन मक्खन डाल के और ज़्यादा आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे, आप वो भी डाल सकते हो मैंने जी। तो इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं अप्लाई करके भी आपको दिखाती हूँ, आपने इसको किस तरीके से अप्लाई करना है नहीं जी। तो सबसे पहले आपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है, कोई भी इसमें उलझन वगैरह ना रहे बालों में। जी तो सबसे पहले आपने बालों को कॉम कर लेना है अच्छे से। तो उसके बाद आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और ये नीचे वाले जो नेक पे बाल होते हैं वो हमने लेने हैं। तो सबसे पहले हम उधर अप्लाई करेंगे और आपने ये 1 इंच छोड़ के इस पर लगाना है, हेयर पे ये 1 इंच छोड़ना है इतने। तो ये हमने छोड़ दिया, हम इधर से आगे अप्लाई करना शुरू करेंगे ये मास्क अपना जी। तो ये देखें यहाँ से मैंने अप्लाई, इस तरह से आपने अप्लाई करना है से रख के अपने सारे बालों पे लगा देना है
इसी तरह आपने थोड़े थोड़े से बाल लेने हैं और इस तरह अपना हैंड नीचे रख के अप्लाई करते जाना है। और एंड तक आपने लगाना है, ये बालों के एंड तक आपने इस तरह लगाना है इसको। ये अब हमने ऊपर वाले हेयर स्पिल को खोल देना है। अब फ्रंट से आपने 2 इंच छोड़ने हैं बाल। यहाँ फ्रंट में इतना हमारे ये बाल रफ नहीं होते, तो इसलिए हम इधर से 2 इंच छोड़ेंगे बालों को, और यहाँ भी बालों के एंड तक हम लगा देंगे। आप ये बड़ों पे भी बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये देखिए मैं आपके सामने मैं छोटी सी बच्ची के हेयर पे लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें कोई ऐसा केमिकल वगैरह नहीं है, दही है, ये बालों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन देता है। इधर से तो लगा ले, ऊपर तो इतना तो बंदा लगाता है ना, क्या कर रहे हैं यार। बोले इसी तरह सारा लगा, इसी तरह ही आपने सारे बालों पे लगा देना है। जी तो ये हमारा ये मास्क सारा लग चुका है। अब इसको आपने किसी भी शॉपर या कैप वगैरह से आपने इसको बंद कर देना है। तो आप अगर कोई बड़े ने लगाना है तो वो 45 मिनट आप बड़ों को लगा के रखें, और ये अगर किसी बच्चे को लगाना है जिस तरह मैंने ये बच्ची को लगाया है, तो इसको आप 20-25 मिनट लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा देर नहीं लगाना बच्चों को। इस तरह आपने ऐसे बालों को सारा टर्न कर देना है। तो इसके ऊपर ये देखें मेरे पास ये कैप है, तो ये मैं पहना देती हूँ। जी तो ये देखिए मैंने हेयर पे लगा दिया है, स्टिकिंग कैप है मेरे पास, मैंने ये लगा दिया है। कोई शॉपर वगैरह भी आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये कैप ही आप लें। तो ये मैंने लगा दी है। अब इसको अपने 25 मिनट मैंने इसको रखना है, और उसके बाद हमने वॉश कर लेना है। जी तो इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिए, दो में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।